तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट सहयोगी। जैसा कि मैंने बताया था कि डीटी की जो है सीएलसी यानी कि लास्ट राउंड अभी बाकी है, जो कि जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो 18 तारीख को उसका अपडेट आ गया था। सॉरी मैं आप सभी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सडनली इंदौर से भोपाल आना पड़ा, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, आप लोगों को लगभग शायद पता चल गया होगा कि 22 तारीख से लेकर तो 30 तारीख तक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 22 नवंबर से लेकर के तो 30 नवंबर तक, यानी कि आज से वो 30 नवंबर तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उनको 27, 29 और 30 यानी कि 3 दिन कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का मौका मिलेगा लास्ट राउंड में। किन के लिए मिलेगा? सभी के लिए, चाहे आपको बीटेक करना हो, डिप्लोमा करना हो, एमसीए करना हो, एमबीए करना हो या फिर एमटेक करना हो, मतलब कि डीटी काउंसलिंग में जो भी कोर्स होते हैं वो सभी कोर्सों के लिए लास्ट राउंड है, सीएलसी राउंड है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी तक आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जल्दी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अभी खाली हुई हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत जल्दी बहुत सारी सीटें खाली होने वाली है। तो कौन से कोर्स में, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हुई है, साथ में स्टेप बाय स्टेप कैसे सीएलसी राउंड में अपेयर होना है, कैसे आपको कॉलेज में जाके वहां पर एडमिशन लेना है। आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में ले रखा है और जेई में आपकी रैंक अच्छी है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो कैसे क्या कैंसिल करा के एडमिशन लेना है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना होता तो अभी तक आपने कैंसिल करवा लिया होता आपका एडमिशन, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में कराया होगा तो, और अब आप अपेयर होके अपना गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट राउंड बचा हुआ है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको एडमिशन लेने की, कॉलेज चेंज कराने की। सीएलसी राउंड है डीटी का, इन्फॉर्म हो गया होगा, नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने बता दिया। अभी ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।